नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सभी जनप्रतिनिधि अब जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनसे वोटों की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चलता जा रहा है और साथ ही जनप्रतिनिधि के द्वारा कई सारे वादे भी किए जा रहे हैं कि अगर वो ये चुनाव प्रचार जीतते हैं तो क्या कुछ कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में पटना जिले के दानापुर दियारा के हेतनपुर पंचायत के उम्मीदवार प्रत्याशी चिंता देवी के प्रतिनिधि कन्हैया राय से हमारे डीटीवी के संवाददाता ने क्या कुछ खास बातचीत की है, आप सुनिए। हम ये सब जानना चाहते हैं, हेतनपुर पंचायत के क्या क्या काम हुआ है, इंदिरा आवास को लेके, बाढ़ राहत को लेके, शौचालय को लेके। हेतनपुर पंचायत में बाढ़ के लिए 50% पैसा मिला, 50% पैसा बाकी, इसके लिए हम लोग सीओ से बात किए। सीओ साहब कहते हैं पैसा नहीं देंगे। अब हम लोग हमारे सांसद राम कृपाल जी हैं, वहाँ जाकर उनसे कहे, डीएम साहब के भी फोन किए, डीएम साहब भी उनको लोग के टाइम दिए, हम लोग जाके डीएम साहब से मिले। डीएम साहब कहे कि भाई 50% पैसा मिला, 50% बाकी है। डी एम साहब सीओ साहब के फोन से बात की तो क्यों नहीं मिला, काहे लेट हुआ। सीओ साहब के आदेश में जी हैं एक हफ्ता के अंदर मुखिया जी लोगों को डी सी एल आर साहब बैठ के समन्वय बनवा कर जो पैसा बाकी है उसको दिलवाइए। अभी तक कितने लोगों को बाढ़ राहत रुपया मिल चुका है? अभी तो सूचिए नहीं, सीओ साहब दिए नहीं कि कितना के दिया गया, कितना बाकी है। देंगे सूची तब ना हम लोग पाएंगे, अभी आएंगे अंजादा का कहें। लेकिन आज मीटिंग है, सीओ साहब चिट्ठी निकाल दिए, आज मीटिंग है, विशेष मीटिंग में क्या। इंदिरा आवास में अभी तक कितने लोगों को घर आवंटित हो चुका है? इंदिरा आवास हमारे पंचायत में करीब 1250 इंदिरा आवास आवंटित हो गया, सभी लोग के पैसा मिल गया, मकान भी लोग बना रहा है, बन गया। इसमें सारा भ्रष्टाचार के नाम नहीं है, मैं किसी को चाय तक नहीं पीते हैं, ईमानदारी के साथ पंचायत को हमने चलाया है। 10 साल पूरा हो रहा पेंशन हम थे, पेंशन मेरी पत्नी थी, कोई शिकवा शिकायत है हमको बता सकते हैं, हम तो पब्लिक के बीच में जाके कहा कि हमने शिकवा शिकायत है, दाग है, तो हमको बहुत मिल। जनता से आप अपने पंचायत की जनता से क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप जनता को क्या देना चाहेंगे जो जनता आपको वोट करे? जनता विकास